नमस्कार दोस्तों, तो 23 अगस्त इंडिया पे Realme की तरफ से बिल्कुल नया स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है और इस बार इसका नाम है Realme C21Y। जैसे एक महीने पहले लॉन्च हुआ था Micromax C1 भी, जिसमें आपको मिलता है Unisoc T610 प्रोसेसर, जो कि बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन है और 8000 रुपये पे मिलता है। एग्जैक्टली उस स्मार्टफोन के साथ कॉम्पीट करने के लिए Realme का नया वाला स्मार्टफोन आने वाला है, क्योंकि इसमें भी आपको वही सेम प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में देखेंगे जो Realme C21Y आने वाला है, एक किस प्राइस रेंज में और कौन कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होगा, और जिस प्राइस पॉइंट में लॉन्च होगा तो क्या आपको वो लेना चाहिए या फिर नहीं, इस वीडियो में इस चीज के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त कवर। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेट चैनल पर नए हैं और ऐसे वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो गैजेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो पहले तो हम देखेंगे जो Realme C21Y इसका डिजाइन कैसा है। अब देखिए, नाम से आपको पता चल गया होगा ये जो ओरिजिनल वाला जो Realme C21 मार्केट में अवेलेबल है, ये जो स्मार्टफोन दिखने में एग्जैक्टली उसके जैसा ही होगा। ये जो C21Y आपको दो कलर में देखने को मिलेगा, ब्लैक और ब्लू। और अगर मैं अपनी बात करूं, ये जो ब्लू वाला मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इस स्मार्टफोन का थिकनेस होगा 9.1 मिलीमीटर और इसका वेट होगा 200 ग्राम। डिस्प्ले के मामले में आपको इसमें मिलेगा 6.5 इंच HD+ IPS LCD डिस्प्ले। इसमें डिस्प्ले में आपको कोई भी गोइला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा ऑलमोस्ट 89% के आसपास। प्रोसेसर के मामले में आपको इसमें मिलेगा Unisoc T610 प्रोसेसर, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक कंपैरिजन वीडियो बनाया था, उसमें मैंने ये चीज़ बताया था कि अगर आप 9000 रुपये तक कोई दूसरे प्रोसेसर के साथ कंपैरिजन करेंगे तो ये जो Unisoc T610 ये सबसे पावरफुल प्रोसेसर है और ये प्रोसेसर 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पे बना है। ये जो स्मार्टफोन, ये आपको टोटल दो वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, 3GB रैम 32GB मेमोरी और एक 4GB रैम 64GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का क्वालिटी होगा eMMC 5.1 और इसके साथ आपको 2+1 कार्ड स्लॉट भी देखने को मिलेगा। अगर कैमरे के बारे में बात करें, जैसे Micromax C1B में आपको मिलता है एग्जैक्टली सेम, इसमें आपको 13 2 और 2 मेगापिक्सल का बैक कैमरा मिलेगा, उसके साथ 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। बैटरी में आपको इसमें मिलेगा 5000mAh बैटरी, उसके साथ आइदर 10 वाट या फिर 18 वाट का चार्जर, और जो कनेक्टिविटी वो आपको मिलेगा माइक्रो USB पोर्ट, कोई USB टाइप सी पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर स्मार्टफोन के बाकी के कुछ फीचर की बारे में बात करें तो आपको इसमें मिलेगा रियर माउंटेड मतलब फोन के पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉइड 11 और 3.5mm जैक के साथ लॉन्च होगा। तो अब जो सबसे मेन चीज़ है, जो बढ़िया स्मार्टफोन किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होने वाला है और कब लॉन्च होने वाला है। ऑलरेडी लॉन्च डेट तो आपको मालूम है, आज से 3 दिन बाद मतलब 23 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करें, अभी तक जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है, ये जो Realme C21Y लॉन्च होने वाला है, इसका डायरेक्ट कंपटीशन होगा Micromax C2B के साथ, जो कि एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशन के साथ 8000 रुपये पे अवेलेबल है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जो Realme का स्मार्टफोन, इसका 3GB 32GB वेरिएंट इंडिया पे प्राइस होना चाहिए 7000 रुपये, और इसका जो 4GB 64GB वेरिएंट इंडिया पे प्राइस होना चाहिए 8 से 8500 रुपये के बीच में। क्योंकि अगर उससे ज़्यादा पे लॉन्च होता है तो टोटली फ्लॉप, क्योंकि उससे बेटर Micromax का स्मार्टफोन है। और ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये जो Micromax का स्मार्टफोन, इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है, तो इसीलिए इसमें आपको कोई भी हैंग लैग का इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो मतलब इधर मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर ये जो Realme C21Y इसका 3GB 32GB वेरिएंट 7000 रुपये पे और इसका जो 4GB 64GB वेरिएंट 8 से 8500 रुपये के बीच में लॉन्च होता है तो ही आपको लेना चाहिए। और अगर इस प्राइस पॉइंट में लॉन्च नहीं होता है तो इस स्मार्टफोन का टोटली रिजेक्ट कर सकते। वैसे अभी आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि ये जो नया वाला Realme C21Y Unisoc T610 प्रोसेसर के साथ जो आने वाला है, इसका प्राइस और स्पेसिफिकेशन सुनकर आपको कैसा लगा और क्या आप इस स्मार्टफोन को लेना चाहेंगे या फिर नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट में कहना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।